सरकार और भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उस स्टेट एग्जीक्यूटिव में तय हो रहा है कि आगे का कार्यक्रम हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें नोट ये किया गया है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर सब होंगे, पर इसमें नोट किया ये गया है बहुत क्लियरली कि पूरी सरकार विफल रही है, हर फील्ड में विफल रही है, काम उसके कुछ हुए नहीं है, जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं है। अभी बताया आपको, अब शाम दोपहर को ये उसको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा सबको कि महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार, एससीज एसटीज के साथ किस तरीके का, कोई सेफ्टी नहीं, किसी की भी सेफ्टी नहीं, बच्चियों से लेके थानों को भी लूटा जा रहा है, ये तो परिस्थिति उनकी है। दूसरा, जो वादे किए हैं, फॉर एग्जांपल इस एरिया के अंदर हम लोगों ने कुंभाराम आर्य योजना के द्वारा पीने का पानी ये तय किया था कि इस जिले के अंदर देने का काम हम करेंगे, तो उसमें आपने देखा होगा खेतड़ी, झुंझुनू और एक और तीन जगह हम लोगों ने पानी दे दिया था और उसको आगे ले जाने की ज़रूरत थी, वो नहीं कर पाए। फिर शौर्य उद्यान, वो भी आपने देखा है, यहाँ सबसे ज़्यादा शहीद हैं, माने हजार से ऊपर तो राजस्थान में हैं परंतु करीबन 460 शहीद और उनके परिवार यहाँ झुंझुनू में रहते हैं, तो उन माने उनके लिए और उनके बारे में सोचते हुए हम लोगों ने एक शौर्य उद्यान 90% उसको कंप्लीट कर दिया था, खाली 10% कंप्लीट करने की ज़रूरत थी, वो भी वो नहीं कर पाए। बिजली की दरों की प्रॉब्लम वो आप लोगों के सामने अभी दोपहर को फिर आएगी कि किस तरीके से प्रॉमिस किया था, किस तरीके से उसके साथ माने बिजली कैसे आप लोगों को मिल रही है, जब जयपुर के अंदर हम लोगों को बिजली की प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि क्या दरें बढ़ गई हैं, सीधे रास्ते से नहीं बढ़ी हैं, टेढ़े रास्ते से बढ़ी हैं, सरचार्ज लगा लगा के उनको बड़ा करने का काम किया है, प्रॉमिस कुछ किया है उसको पूरा नहीं किया है। बिजली की आज जो हम लोग दिया करते थे प्रॉमिस्ड टाइम जो था 7 घंटे कृषि और 20-22 घंटे हम घरेलू, वो हम लोग जो दिया करते थे उसमें कितनी कटौती हो गई वो आप लोग सब जानते हैं। फिर VCR वगैरह जो जिस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिसके पनिशमेंट दिया जा रहा है, वो भी आप लोगों के सामने, तो ये तो कुछ है। रोड्स की क्या जर्जर हालत हो गई है, वो भी किसी से छिपी नहीं हुई, तो ये सब बातें आज एक विस्तृत जानकारी सब लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। और फिर जैसे अभी समझाया गया, एक आक्रोश यात्रा निकालेंगे, जिस आक्रोश यात्रा के द्वारा जिले के अंदर MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर MLA कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर